छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ छत्तीसगढ़ के वास्तविक दिव्यांगजनों के अधिकार का संरक्षण करता है। छत्तीसगढ़ शासन में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों पर लाभ 50-80% फर्जी दिव्यांग कार्यरत है। इस कार्य में कई गैंग सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ के हर जिले में गिरोह सक्रिय हैं। वे 50,000 से 1,00,000 रुपए में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा देते हैं। कुछ केस में डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ भी मिले हुए हैं, लेकिन अधिकतर केस में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाते समय गिरोह के द्वारा किसी अन्य वास्तविक दिव्यांग को पैसे देकर खड़ा कर दिया जाता है, जहां डॉक्टर अपने स्टाफ के झांसे में आकर एवं लालच में प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं। कई अभ्यर्थी तो स्वयं फर्जी सील एवं साइन करके नंबर डालकर अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा कर नौकरी कर रहे हैं। इसके कारण में वास्तविक दिव्यांगजनों का शासकीय नौकरी नहीं लग पाता है। वे दर दर भटकते ठोकरे खाते रहते हैं एवं कप प्लेट धोने का काम करते रहते हैं। बता दें कि प्राइवेट क्षेत्र में दिव्यांगजनों को ऐसे ही नौकरी में नहीं रखा जाता है। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में फर्जी दिव्यांग उनके अधिकार पर डाका डाल रहे हैं। बताते चले कि छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष कई बार इस संबंध में शिकायत किया जा चुका है, लेकिन अधिकारी आपसी लेन देन करके उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने सोचा कि पहले उच्च पदों में कार्यरत फर्जी दिव्यांगों के विरुद्ध शासन में शिकायत किया जाए। इसी पर अंतिम निर्णय हेतु संचालक समाज कल्याण के पास फाइल पड़ी धूल खा रही है। संघ का मांग है कि मुख्य सचिव द्वारा सचिव स्वास्थ्य सेवा एवं सभी विभाग को पत्र लिखा जाए कि पारित आदेश अनुसार प्रथम नियुक्ति पर मेडिकल बोर्ड के समय दिव्यांगता के परीक्षण छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों की तरह केवल स्थायी दिव्यांगता से ग्रसित लोगों को शासकीय नौकरी मिले। साथ ही फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने पर डॉक्टर को 7 साल सजा की प्रावधान हो, जिससे कि फर्जी दिव्यांग लोग वास्तविक दिव्यांगों के हक ना मार सके।